हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल एचआरएम का सब्जेक्ट चल रहा है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से सीरीज आगे बढ़ाते हैं और माइंड सेट कैसा कर लेना, इंटरनेशनल कर लेना। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देखिए अभी तक अपन ने इसकी बेसिक एक्टिविटी और फंक्शन के ऊपर पहले क्वेश्चन में बात करी थी। अब प्लानिंग के बारे में कि अगर मेरे को एज ए एचआर हेड बना दिया जाए और मेरे को इंटरनेशनल लेवल पर मेरी एमएनसी लेवल पर मेरी प्लानिंग करनी होगी तो इफेक्टिव प्लानिंग का क्या बेनिफिट होगा, कैसे करी जाएगी, कौन कौन से स्टेप्स हैं और किन किन बातों का मेरे को ध्यान रखना है, ये तीन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। और प्लानिंग वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर भी शायद आया हुआ है, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक रहा है। मतलब कि बार 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 आई एच आर एम में प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पॉपअप मैंने एग्जाम में देखा है, तो इसको और अच्छे से आप देखिएगा। जैसे कि एचआर क्या, एचआरपी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो ग्लोबल टैलेंट को मेरे को एक्विजिशन करने में हेल्प मिलेगी, कंप्लायंसेस जो इंटरनेशनल कंप्लायंसेस है उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक मिनिमम नंबर्स ऑफ द लेबर्स भी जरूरी है। अब इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसा मिनिमम वेजेस एक बना रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ लेबर नहीं बना रखा। जैसे कि अगर आपको 5000 यूनिट चाहिए और आपने ऑटोमेटिक कोई मशीन नहीं लगा रखी, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं लाइक जर्मनी, वहाँ पे ऐसा लॉज बने हुए हैं कि आपको इतने नंबर ऑफ लेबर तो रिक्रूट करने ही होंगे, वरना आपको एक्स्ट्रा काम हो रहा है, आपके प्रोडक्शन और वो मैच नहीं कर रहे, मतलब आप एक्सट्रोशन कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, समाजवादी जो नीतियाँ होती है, सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप ऑलरेडी देख चुके हैं अमेरिका, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है लाइक जर्मनी जो है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये इस तरीके की लॉ बनाते हैं कि इतने नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट आपको देने ही देने। इंडिया में क्या कहा जाता है कि सर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करिए, इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, ये करिए, आप नया प्लांट लगा रहे हैं, पर वहाँ पर ऐसे लॉ है कि इतने स्क्वायर फिट का आपका अगर एरिया है और इस कंपनी के इतनी वैल्यूएशन है तो आपको इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय जनरेशन करना ही होगा। तो कंप्लायंसेस उसके साथ भी जरूरी है, ग्लोबल माइंडसेट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये बेसिकली एचआर प्लानिंग के लिए जरूरी होती है। प्रोसेस क्या होगी, कोई भी अपन ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर रहे होंगे, सबसे पहले प्रोसेस क्या होंगे, अपन एनवायरमेंटल को स्कैन करेंगे। एनवायरमेंट को स्कैन करने से क्या बेनिफिट होगा कि हमको पता चल जाएगा कॉम्पिटिशन क्या है, लेबर मार्केट की कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी का बजट क्या है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम डिमांड का फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले 10 साल बाद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होने वाली है और इतनी होने वाली है, या 5 साल बाद इतनी होने वाली है, उसके लिए हमको इतनी मैन पावर की जरूरत होगी। ये डिमांड का फोरकास्ट, यहाँ पर सप्लाई एनालिसिस यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई के बारे में बात हो रही है कि कितने नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स पास आउट होंगे, कितने नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट होंगे, कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ MBAs निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ एन नंबर्स ऑफ द डिग्री होल्डर्स निकलेंगे, और हमारी टीम को कितने रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात होगी। फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि हम कैसे एचआर को रिक्रूट करेंगे, क्या कैंपस ड्राइव लगाएंगे, क्या जॉब फेयर में जाएंगे, क्या एजेंसी से जाएंगे, या हम खुद एडवर्टीजमेंट देंगे, डिपेंड करता है। और उसका एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होने के बाद सिलेक्शन का मेथड क्लियर होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन के मेथड के अंदर हमें जॉब इंटरव्यू होगा, रिटर्न टेस्ट होगा और फाइनल सिलेक्शन ऐसा करवाना है, या डायरेक्ट इंटरव्यू करके अपन को फाइनल सिलेक्शन करना है, क्या मेडिकल होना जरूरी है, क्या उसके अंदर फिजिकल का कोई वर्क है तो फिजिकल ट्रेनिंग भी जरूरी है, या फिजिकल का आप कह सकते हो कि टेस्ट होना जरूरी है ना। तो वो सारी की सारी एचआर स्ट्रेटजीज के अंदर फिक्स होगा, यानी इसमें बहुत सारा अपन के पास लिखने के लिए मटेरियल है और वो फिर अपन इंप्लीमेंट कर देंगे। और इंप्लीमेंट करने के बाद क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि ये सही से चल रही है या नहीं चल रही है। अब इसमें की डिफरेंस क्या हो जाते हैं और की कंसिडरेशन कौन से रहते हैं वो ध्यान रख लो कि नॉर्मल जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल में डिफरेंस क्या हो जाता है, हमको कल्चर का याद रखना पड़ता है, कल्चरल डिफरेंस का ध्यान रखना पड़ता है, ग्लोबल कंपनसेशन रेट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल कंपनसेशन नहीं चल रही है। अब जापान में अपनी कंपनी खोली तो वहाँ के कंपनसेशन रेट और जो IMF से हमने फंडिंग उठाई अगर उसमें भी कोई कंपनसेशन रेट का प्रावधान है तो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का लेवल हाई रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी ज़्यादा एश्योर्ड मानी जाती है, मतलब जब भी आप इंटरनेशनल कंपनी में जाओगे वो लोग क्वालिटी पे ज़्यादा वर्क फोकस करते हैं। इंटरनेशनल लेवल लॉस का भी हमको ध्यान रखना होगा और आप कह सकते हो कि डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम टू सपोर्ट इम्प्लॉयज़ एंड इंटरनेशनल असाइनमेंट। अब ये कह सकते हो एक तरीके से रिहेबिलिटेशन कह सकते हो, या आप कह सकते हो ओरिएंटेशन वीक रखना होगा जिससे वो वहाँ पे अच्छे से रह सके। ये मतलब एक्टिविटीज़ हमको प्रोसेस में ध्यान रखनी होगी, ठीक है।
प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंटल स्कैन, फिर स्ट्रेटेजी वाला, और फिर फाइनल में मॉनिटरिंग था, कौन सी बातें ध्यान में रखनी वो भी बता दी। और इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि अच्छी प्लानिंग करोगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, टैलेंट का एक्विजिशन अच्छा होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी, और एम्प्लॉय का भी एंगेजमेंट बढ़ जाता है। क्लियर है ना, यही चार पांच चीज़ें हैं जो बार बार घूम फिर कर आएंगी बेनिफिट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, थर्ड क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।